हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एडवांस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंडाल। क्लास ट्वेल्थ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है और हम आए हुए हैं इसके फर्स्ट चैप्टर यानी कि शारीरिक पुष्टि और सुयोगिता, जिसको इंग्लिश में फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस भी कहा जाता है। तो इसका लगभग हम 60% कवर कर चुके हैं इस लेसन को। अभी हम करने जा रहे हैं जो फिजिकल फिटनेस को बढ़ाने के जो तरीके हैं, जो मुख्य मुख्य तत्व हैं, उनके बिना हम शारीरिक पुष्टि को प्राप्त नहीं कर सकते, वो हम अभी करने जा रहे हैं और ये इस पार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो इसी को शुरू करते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये जो फिजिकल एजुकेशन से संबंधित जो भी विद्वान हैं, इन्होंने इनकी मुख्यतः 5 परिभाषाएं दी हैं, 5 तत्वों का नाम बताया है और उन्हीं के आधार पर हम आज चर्चा करेंगे। तो मैं एक बार लिख देता हूँ। सबसे पहला है शक्ति, नंबर 2 पे है लचीलापन, नंबर 3 है सहन सहन शक्ति, नंबर 4 है गति और नंबर 5 पे है तालमेल। अगर हमारा शरीर एक्टिविटी के दौरान इन सभी चीजों में माहिर है या ये सभी हमारे पास हैं, तो हम फिजिकल फिटनेस को पा सकते हैं। तो हम इनको धीरे धीरे करते जाएंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा, मैं साफ कर देता हूं बाकियों को, तो आज जो हमारा टॉपिक है वह है शक्ति, जिसको हम स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं, स्ट्रेंथ। तो शक्ति हमारे शरीर की वह ऊर्जा है जिससे हमें कोई काम करने में कोई परेशानी नहीं आती। यहाँ पर अगर हम शक्ति को सिंपल शब्दों में परिभाषित करें तो हमारे शरीर की जो काम करने की क्षमता है वह शक्ति कहलाती है। तो शक्ति का मतलब आप समझ गए होंगे, एक नॉर्मल व्यक्ति को भी कोई ना कोई काम करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती ही है और खिलाड़ी को तो शक्ति की जरूरत बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना स्ट्रेंथ के वो कोई भी खेल या कोई भी एक्टिविटी करने में सक्षम नहीं होता। तो शक्ति के यहाँ पर मुख्यतः 2 भाग हैं। नंबर 1 है स्थिर शक्ति। स्थिर शक्ति और नंबर 2 है डायनामिक, जिसको गतिशील शक्ति भी कहा जाता है, गतिशील, इसको स्टैटिक बोलते हैं इंग्लिश में, STATIC, स्टैटिक, और इसको डायनामिक। तो जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, गेम में हिस्सा लेते हैं, तो वहां पर इन दोनों प्रकार की शक्तियों का प्रयोग होता है, स्थिर शक्ति और गतिशील शक्ति। स्थिर शक्ति वो शक्ति है जो हम कोई भी कार्य निपटाते हैं उस दौरान यह दिखाई नहीं देती, अर्थात हम जो शक्ति का प्रयोग करते हैं उस समय अगर कोई काम होता है तो वो दिखाई नहीं देता। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वॉल पुश एक एक्सरसाइज होता है जिस पर दीवार पर हाथ रखकर या पैर रखकर हम उसको धकेलने की कोशिश करते हैं, उस समय हमारी मांसपेशियों में तो प्रबल जोर लगता है मगर कोई कार्य होता हुआ दिखाई नहीं देता। तो वह क्रिया हम स्थिर शक्ति के अंतर्गत लाते हैं। तो स्थिर शक्ति का ये उदाहरण था। आगे हम गतिशील शक्ति, गतिशील वो शक्ति है जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमें मूवमेंट करना पड़ता है और हमें जो भी हम कार्य करते हैं वह हमें स्पष्ट रूप से दिखाई भी देता है। गतिशील शक्ति हाथों का हिलाना, पैरों का हिलाना या हमारे शरीर की जो भी एक्टिविटी है उसमें गतिशील शक्ति का बहुत ही अहम रोल होता है। तो जो गतिशील शक्ति है वह 3 पार्टों में डिवाइड होती है, जिसको हम लिख लेते हैं। इसमें फर्स्ट है शक्ति, सहन, क्षमता। सहन क्षमता ये एक आपके शरीर की एबिलिटी होती है जो किसी भी भार या कोई भी थकान को लंबे समय तक सहने की जो क्षमता होती है उसको हम सहन शक्ति, ये आगे हमारा जो नेक्स्ट आएगा तब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे, इसका एक अलग भी टॉपिक। और आगे है शक्ति सहन क्षमता हो गया, आगे है अधिकतम शक्ति, अधिकतम शक्ति, और तीसरे पॉइंट पर लिख रहा हूं मैं विस्फोटक
जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो गतिशील शक्ति या गतिशील स्ट्रेंथ का जो कार्य करते हैं उस दौरान हम ये तीन अलग अलग एक्टिविटियों में हिस्सा लेते हैं। तो आप गतिशील शक्ति से परिचित हो गए जिसको हम डायनामिक शक्ति बोलते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी एक्टिविटी होती हैं जो शरीर इन्वॉल्व होता है उसमें, वो इलता डुलता रहता है और जो कार्य होता है वह भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो सबसे पहले है शक्ति सहन क्षमता। शक्ति सहन क्षमता जिसको हम स्ट्रेंथ इंड्योरेंस भी बोलते हैं, यह हमारे शरीर की वह ऊर्जा होती है, वह पावर होती है जो हम लंबे समय के दौरान प्रयोग करते हैं। शक्ति सहन क्षमता से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी कोई लंबे समय का कार्य हमें करना होता है तो उस समय हमें यह शक्ति प्रयोग लानी होती है। जैसे कि मैराथन दौड़, लंबी दूरी की दौड़ें, इसके अलावा जो भी फुटबॉल के मैच, वो भी हमें एक लंबे समय के दौरान अपनी ऊर्जा को सुचारू रूप से लागू करना होता है और उससे हमें शक्ति प्राप्त होती है। तो उस शक्ति को हम शक्ति सहन क्षमता बोलते हैं। इस दौरान होता क्या है, जो हमारी मांसपेशियां होती हैं वह कुछ समय के बाद थकान अनुभव करने लगती हैं। अगर हम इससे संबंधित एक्सरसाइज करते रहेंगे तो वो हमारी मांसपेशियों में सहने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये शक्ति सहन क्षमता है। दूसरे नंबर पर है अधिकतम शक्ति, जिसको हम इंग्लिश में मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो अधिकतम शक्ति वो शक्ति होती है जो हम कुछ समय के लिए बहुत ही तेज रफ्तार में लागू करते हैं। जैसे कि 100 मीटर की रेस, उसमें हमें कुछ समय के लिए अधिकतम शक्ति लगानी होती है। वेट लिफ्टिंग या जो हमारे थ्रो इवेंट है, डिस्कस थ्रो, तो हमें उस दौरान अपनी मांसपेशियों से पूरी ऊर्जा एक दिशा में, या मांसपेशियों की जो एक्टिविटी है वो एक दिशा में सामूहिक रूप से उस शक्ति का हमें प्रयोग करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं नंबर तीन पर, विस्फोटक शक्ति। विस्फोटक शक्ति एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। तो विस्फोटक शक्ति आप समझ ही गए होंगे कि हमें इस शक्ति का उपयोग एकदम झटके से करना होता है। जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसके शुरू में हमें इस शक्ति का प्रयोग करना होता है। जैसे मैंने अभी बताया था, जो थ्रोइंग इवेंट थे वो जब हम स्टार्ट लेते हैं उनका, तो उस समय हमें इसका प्रयोग करना होता है। विस्फोटक शक्ति का प्रयोग हम, जैसे आप मान के चलो शॉट पुट है, गोला फेंक बोलते हैं, उस समय जब हम गोला फेंकने की अवस्था में होते हैं तो उस समय अपने स्टैंडिंग पोजीशन में जब खड़े होते हैं और गोला हमारे हाथ में होता है, उस समय हमें अपनी बाजुओं और हाथों पर पूरा ताकत के साथ उस गोले को छोड़ना होता है। तो उस दौरान जो हम शक्ति का प्रयोग करते हैं वो हमारी विस्फोटक शक्ति कहलाती है। ऐसे ही जब हम 100 मीटर स्टार्ट लेते हैं, उस दौरान हमें एकदम झटके के साथ वहां से भागना होता है या छूटना होता है। तो उस समय जो हमारी शक्ति, जो हमारी मांसपेशियों में जो पावर यूज होती है वह विस्फोटक शक्ति कहलाती है। तो विस्फोटक शक्ति बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाती है कई स्पोर्ट्स में। तो आप समझ गए होंगे, इसके उदाहरण भी मैंने बताए। तो ये आपका जो आपका टॉपिक चल रहा है शारीरिक पुष्टि और योग्यता, और इसके जो तत्व बताए हैं मैंने शुरू में बताया था, जो 5 तत्व हैं। तो ये पहला तत्व हमने आज किया। कल के लेक्चर में हम सेकंड जो इसका तत्व था, लचीलापन, उसके बारे में और उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसको आप समझ में ना आए तो आप बार बार जरूर देखें, क्योंकि जब बार बार देखते हो तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है। ये आप ना तो 9th में, ना 10th में और ना 11th में इसके बारे में पढ़े हो। तो यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस लेसन से संबंधित। तो आप इसको अच्छे से देखें, और जो ये शारीरिक पुष्टि और योग्यता के जो तत्व हैं, जो एलिमेंट हैं उसको बढ़ाने के, फिटनेस को, ये क्वेश्चन या इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर आते हैं वो 12th क्लास फिजिकल एजुकेशन में हर बार आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इसको अच्छे से देखें और समझें।